हेलो एवरीवन। तो फाइनली सेमेस्टर फिफ्थ के रिजल्ट SOL के डिक्लेयर्ड होना स्टार्ट हो चुके हैं। तो आज जो है BCOM प्रोग्राम का सेमेस्टर फिफ्थ का रिजल्ट डिक्लेयर्ड हो चुका है। अब आपको रिजल्ट चेक कैसे करना है पहले मैं वो आपको क्लियर कर दूं। बिल्कुल सही सुना, सेमेस्टर फाइव BCOM प्रोग्राम का रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर्ड हो गया है। तो आपको चेक कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। इस साइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, तो डायरेक्ट जाके आप डिस्क्रिप्शन से लिंक पे क्लिक करके अपना रिजल्ट चेकआउट कर सकते हो। तो जो SOL के BCOM प्रोग्राम के बच्चे हैं जिन्होंने नवम्बर दिसंबर सेशन में एग्ज़ाम दिए थे, तब उनको रिजल्ट चेकआउट कैसे करना है। साइट पर आने के बाद पहले अपना यहाँ पर कॉलेज सेलेक्ट करना है। तो कॉलेज में बच्चे जो हैं गलत कॉलेज सेलेक्ट करते हैं, तो कॉलेज में आपको मैं क्लियर दिखा दूं कि स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग आपको सेलेक्ट करना है। स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग मेल फीमेल करके इसमें बहुत आता है, ठीक है। तो अब बच्चे गलत सेलेक्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हो ये जैसे लिखा है मेल फीमेल ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, कुछ भी नहीं सिलेक्ट करना आपको। सिलेक्ट क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग। हर एक बच्चे का बता रहा हूँ मैं, SOL का रिजल्ट आया तो SOL में बच्चों का स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग ही होता है, तो आपको यही सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो ये मैंने सिलेक्ट कर लिया। नीचे आपको दूसरी चीज़, आपको यहाँ पे अपना एग्जामिनेशन सेशन के नीचे अपना रोल नंबर फिल करना है। एग्ज़ाम रोल नंबर, जो एग्ज़ाम रोल नंबर होता है वो आपके एडमिट कार्ड पे होता है, हॉल टिकट पे जो आप लेके गए होंगे एग्जामिनेशन हॉल में। फिर नीचे आपको अपनी डेट सिलेक्ट करनी है, डेट मंथ और ईयर आपको सिलेक्ट करना है। तीनों चीज़ें डालने के बाद ये जो कैप्चा ग्रीन कलर का, ये इस जगह पर आपको फिल करना है। ये जो कैप्चा आपको लिखा हुआ है नंबर में ग्रीन, यही एज ए टी सेम टू सेम कैप्चा इस बॉक्स में फिल करना है देख देख के। फिर आपको प्रिंट स्कोर कार्ड के ऊपर क्लिक करना है और आपका जो रिज़ल्ट है वो आपको शो हो जाएगा। ये रिज़ल्ट आपका निकल चुका है, तो रिज़ल्ट बाकी जैसे आएंगे आपको अपडेट कर दिया जाएगा। अभी सिर्फ अपडेट यही है कि सेमेस्टर फिफ्थ के BCOM प्रोग्राम वाले बच्चों के रिज़ल्ट डिक्लेयर्ड हो चुके हैं। तो जाके फटाफट से चेक कर लेना, ग्रुप में शेयर कर दो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। मैं मिलता हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में जिसमें जल्दी दूसरे रिज़ल्ट आएंगे, आपको जल्दी से अपडेट कर दिया जाएगा चैनल एक्सप्लेन पे ही, ठीक है। और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। जिनका रिज़ल्ट नहीं आया वो वेट करो, धीरे धीरे फेस मैनर में रिज़ल्ट आएंगे। तो बाकी कोर्सेज के जैसे आते रहेंगे आपको इन्फॉर्म करा जाएगा। बस ये याद रखो हफ्ते भर में रिज़ल्ट डिक्लेयर हो सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, कीप वॉचिंग।